और उधर दमोह के सिंग्रामपुर में आगामी 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने भी बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। कलेक्टर और एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने यहां पर सिंग्रामपुर का दौरा किया है, साथ ही कार्यक्रम स्थल और सभा स्थल और पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया। तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर हुए गड्ढों को भी भरने के निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि इस बैठक के लिए क्षेत्रीय विधायक और संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने विशेष प्रयास किए थे। मीटिंग का यहाँ पर प्रोग्राम होना है, उसमें कलेक्टर साहब, मैं, डीएफओ साहब और प्रशासन पूरा यहाँ पर मौजूद था। आज हम लोगों ने जो वेन्यूज हैं वहाँ कहाँ पर प्रोग्राम कराने हैं, हेलीपैड की क्या व्यवस्था होगी, अगर आम सभा होती है तो वो कहाँ पर होगी, उसमें आने जाने के रास्ते, पार्किंग, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। 5 अक्टूबर को जो प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक है जो सिंग्रामपुर में होने जा रही है, और उसके अलावा एक आम सभा भी संभावित है, इस दृष्टि से सारे इंतजाम को देखने के लिए मैं एसपी साहब, डीएफओ साहब, सीओ जिला पंचायत, हमारे एसडीएम, हमारे पुलिस प्रशासन, बाकी सभी अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं, तो सभी स्थानों का जायजा ले रहे हैं।